ये गाना था सरवली, उसमें एक सोलो बजा हुआ है, वो सोलो के लिए काफी परेशानी है आपको, वो हम समझा दे रहे हैं। उसके पहले आपको भी मैं एक बात बता देता हूँ। सपोज आपकी अगर फिंगरिंग रॉन्ग है, फिंगरिंग का चलाने का तरीका एकदम इनकरेक्ट है, जैसे तैसे फिंगर चलता है, ये पार्ट कभी अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, ये अच्छा बजेगा भी नहीं। इसलिए आपको हम हर बार बताते हैं कि फिंगर अपना करेक्ट लगाओ, ठीक है? अब देखो एकदम स्लो स्लो दिखा दे रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखो। पहले ही देखो, पहला ये क्या है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकंड नंबर फिंगर लगाना, दूसरा, फिर तीसरा, अब देखो सिक्सटीन नंबर में जाओ, इसी फोर नंबर फिंगर से यहां लगाना है आपको, ठीक है? देखो हो गया। अब इसके बाद वाला पार्ट देखो, ट्रिलिंग करना, ये है, समझ में आ गया? फिर स्लो दिखा दो, ये हुआ। अब यहां से उस हिसाब से, ऐसे लगा रहे इसको, देखो यहां कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। है ना 16, फिर थर्ड 14, थर्ड ये देखो फोर नंबर स्ट्रिंग का 16 नंबर पैड, यह है उसका, देखो क्या ये पार्ट कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है? अब मैं इसको, आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैं क्या बजाया हूं, मैं आपको एक बार ये सुना देता हूं, ठीक है ना? आप भी एक बार सुन ही रहो इसको। देखो के साथ बजा, बात मेरी आपको अब समझ में आ गई होगी। तो कुछ नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग का ये सब खेल होता है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि आप बजाते, आपका फिंगर कैसा चलता है। अगर फिंगर आपका करेक्ट चलता है, राइट चलता है ना, तो हर चीज बजाना इतना टफ नहीं होता जितना टफ आप लोग फील करते हैं। मतलब किसी चीज का प्रेजेंटेशन अगर मैं टफ करके कर दूं कि नहीं ये वैसे है ये, तो आपको टफ लगेगा। आसान तरीका है, बजाओ, खुश रहो, मस्ती में रहो। चलता हूँ, टाटा।